हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पार्षद। दोस्तों, हम फिर आ गए एक्सरसाइज 9 को लेकर विविध की और उसके आज प्रश्नों को हम जानेंगे इस क्लास में 13 से 18 तक के प्रश्नों को एक बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो यदि आप अवकल समीकरण को हल करने में काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं, बहुत सी सवालों को आप सरल तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और पाइए एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज 1 to 1 A to Z सभी प्रश्नों का हल एक आसान तरीके। तो ठीक है, देख लेते हैं आज की क्लास में हम देखेंगे 13 से 18 तक के प्रश्नों को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। 13 दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy / dx + y cot x = 4x cos x का एक विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जहां पर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पाई / 2। तो देखिए, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे dy / dx + py = p। अभी तक हमने ये सीखा है, यहां पर p की वैल्यू होगी cot x और q की वैल्यू होगी 4x cos x। तो अब इसका समाकलन इसका निकालेंगे, इंटीग्रेशन फंक्शन समाकलन गुणा क्या होता है, फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन pdx, e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx। ये बनेगा e की पावर cot x का समाकलन होता है log sin x dx। तो देखिए, इसका साइन एक्स आपका बाहर होगा, लॉग साइन एक्स होता है, साइन एक्स आ जाएगा। हमने आपको बताया है e की पावर लॉगरिथम्स के रूप में जितना फलन दिया होगा वो e की लॉग एक्स को खत्म करने के बाद पुनः एक अकेले छुट्टी में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx + c। तो y आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है 4x cos x इंटू आई एफ है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है तो कैंसिल हो जाएगा, वाई साइन एक्स इक्वल टू 4 बाहर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये होगा वाई साइन एक्स इक्वल टू 4, इसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई भाग होगा, ये बचेगा वाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। ये एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे क्या, वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। तो देखिए, सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब इस सी की वैल्यू को हम समीकरण एक में रखेंगे। ठीक है, समीकरण एक है वाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। तो वाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर और c की वैल्यू है माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ये इसका क्लियर। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर की, दिया है अवकल समीकरण x + 1 dy / dx = 2y की माइनस 1 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जहां दिया है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अवकल समीकरण को नोट करेंगे, x + 1 dy / dx = 2 e की पावर माइनस y माइनस, इस y वाले फलन को यहां पर ले लेंगे dy के पास में, dy अपॉन 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू, ये dx यहां पर होगा अपॉन x प्लस। ठीक है, यहां पर e की पावर माइनस y से गुणा e की पावर माइनस y से भाग कर देंगे हर में, तो ये बनेगा dy अपॉन 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 e की पावर माइनस y e की पावर माइनस y इंटू e की पावर माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। e की पावर y ऊपर आएगी धनात्मक होगी, e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर y, ये ऊपर जाएगी माइनस y तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा e की y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहां पर इस फलन को t मान लेते हैं, लेट t इक्वल टू 2 माइनस e की पावर y, इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष dt अपॉन dy इक्वल टू इसका होगा 0, यहां होगा e की y। ठीक है, तो यहां पर e की y dy ले लेंगे, इधर होगा माइनस dt इक्वल टू e की y इंटू dy, जहां पर e की y dy लिखा है वहां पे लिखेंगे माइनस dt अपॉन 2 माइनस e की पावर y को अपने माना है t इक्वल टू, इधर होगा dx अपॉन x, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो देखिए, इसका समाकलन होगा माइनस लॉग टी इक्वल टू, इसका समाकलन होगा लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी होगा,
तो देखिए इसको इधर ले जाएंगे, c इधर ले लेंगे, माइनस c इक्वल टू लॉग x प्लस वन प्लस लॉग t, माइनस c इक्वल टू लॉग x प्लस वन इंटू टी, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n हो जाएगा, माइनस c इक्वल टू लॉग x प्लस वन इंटू टी की वैल्यू है 2 माइनस e की पावर y। अब यहाँ पर माइनस c इक्वल टू लॉग p मान लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए माइनस c इक्वल टू लॉग p रखने पर, यहाँ पर रख देंगे तो ये बनेगा लॉग p इक्वल टू लॉग x प्लस वन इंटू टू माइनस e की पावर y। लॉग कैंसिल होगा, p इक्वल टू बचेगा x प्लस वन इंटू टू माइनस e की पावर y, ये एक इक्वेशन आपका होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, समीकरण एक में रख देंगे तो ये बनेगा p इक्वल टू x की वैल्यू होगी जीरो प्लस वन इंटू टू माइनस y की वैल्यू जीरो e की पावर जीरो, p इक्वल टू वन इंटू टू माइनस वन, p की वैल्यू वन आएगी। अब इस p का मान हम समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है, p की वैल्यू है वन इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस e की पावर y, तो इसको इधर ले लेंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू टू माइनस e की पावर y, e की पावर y को इधर ले लेंगे, ये बनेगा टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसे लिखेंगे e की पावर y, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे टू एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इधर होगा e की पावर y, ये बचेगा टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये बचेगा e की पावर y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। देखिए यदि हम यहाँ पर e को इधर ले जाएंगे, इधर y रोकेंगे, तो ये लॉग में बन जाएगा, y इक्वल टू लॉग टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये इसका क्लियर आंसर। बात कर लेते हैं 15 नंबर की, दिया है किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। किसी गांव की जनसंख्या है उस गांव में रहने वाले निवासियों की संख्या के बराबर है। यदि 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए कि 2009 में गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है, लिखा है कि गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर किसी समय गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है, तो यहां पर लिखेंगे जनसंख्या की वृद्धि दर समानुपाती निवासियों की संख्या, ऐसे, ठीक है। तो जनसंख्या की वृद्धि पर यहां पर मान लेंगे, माना t समय में निवासियों की संख्या y है, तो यहां पर जनसंख्या की वृद्धि दर y के सापेक्ष होगी dy वाई अपॉन डी टी इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल y, निवासियों की संख्या y है, तो यहां पर लिखेंगे dy वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, यहां पर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k लगा देंगे, नितांग होगा के वाई, ठीक है। y को इधर ले लेंगे तो इसे लिखेंगे dy वाई अपॉन वाई इक्वल टू के डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो इसका होगा log y और इसका हो जाएगा kt प्लस c। अब बात कर लेते हैं कि कह रहा है 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, यानी t बराबर जीरो कर लिया जाए और y बराबर 20,000 इसमें रख दिया जाए समीकरण एक में, तो ये बनेगा log 20,000 इक्वल टू k जीरो प्लस c, यानी c की वैल्यू आएगी log 20,000। C का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है log y इक्वल टू के टी प्लस सी, सी की वैल्यू होगी log 20,000। 20,000 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा log y माइनस log 20,000 इक्वल टू के टी, इसे लिखेंगे log y अपान 20,000 इक्वल टू के टी, ये दूसरी क्वेश्चन बनेगी। क्यों? क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लॉग एम बाई एन होगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, और 2004 में गांव की जनसंख्या 25,000 थी, तो 1999 से 2004 तक का समय होगा 5 वर्ष, तो t बराबर 5 और y बराबर हम रखेंगे 25,000, क्लियर है, रख देंगे इसमें, तो ये बनेगा लॉग 25,000 अपॉन 20,000 इक्वल टू 5k, एक टी की वैल्यू है 5 5 के हो जाएगा, ट्रिपल जीरो कैंसिल होगा, ये बनेगा लॉग 25/20 इक्वल टू 5 के, के की वैल्यू होगी 1/5 लॉग, इसको कैंसिल करेंगे 5/4, ये के की वैल्यू होगी,
हम यहां पर k की वैल्यू को समीकरण दो में रखेंगे। k का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो को नोट करेंगे log y अपॉन 20,000 इक्वल टू kt, यही तो है। तो इसे लिखेंगे log y अपॉन 20,000 इक्वल टू k की वैल्यू है 1/5 यानी t/5 log 5/4, ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 2019 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। 1999 से 2019 तक के सफर में समय लगेगा 10 वर्ष, तो t बराबर 10 वर्ष इसी समीकरण में रख देंगे, तो ये बन जाएगा log y अपॉन 20,000 इक्वल टू 10/5 इंटू log 5/4, तो ये हो जाएगा 2 log y अपॉन 20,000 इक्वल टू 2 log 5/4, इसे लिखेंगे log y बटे 20,000 इक्वल टू log 5/4 का स्क्वायर। ये n log m फॉर्मूला log m की पावर n बन जाएगा, क्लियर। इसे लिखेंगे log y अपॉन 20,000 इक्वल टू log 25/16, ये लिख देंगे, लाग लाग कैंसिल होगा, इसे लिखेंगे y इक्वल टू 25 × 20,000/16, y इक्वल टू 16 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 25,000 × 1050, 25 से गुणा करेंगे 31,250 होगी उस गांव की जनसंख्या। बात कर लेते हैं 16 नंबर की, अवकल समीकरण लिखने का व्यापक हल क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखिए इसे कैसे क्लियर करेंगे। लिखेंगे y dx माइनस x dy अपॉन y इक्वल टू 0, इसे लिखेंगे y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, गुणा हो जाएगी, ये होगा y dx इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे x dy, x को यहां करेंगे y को यहां करेंगे, ये होगा dx अपॉन x, इधर होगा dy अपॉन y, ठीक है। इसे हम ले लेंगे dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इक्वल टू 0, समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन होगा log x, इसका होगा log y इक्वल टू log c, लिखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा log x अपॉन y, इधर बन जाएगा log c, कैंसिल होगा, यहां पर बचेगा x अपॉन y इक्वल टू c, तो देखिए तिरछी गुणा हो जाएगी, तो ये बनेगा x बराबर सी वाई, काउंट करते हैं इसमें, तो x बराबर सी वाई किसी भी फलन में नहीं है, तो यदि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x अपॉन y इक्वल टू c को लिखेंगे 1/c, यहां पर लिख देंगे c इक्वल टू 1/c रखने पर, ठीक है, तो 1/c जब रख देंगे तो ये बनेगा y इक्वल टू सी एक्स। अब काउंट कर लेते हैं y इक्वल टू सी एक्स, ये c वाला विकल्प मिला तो इसलिए इसका c विकल्प क्लियर है। 17 नंबर की बात कर लेते हैं, इस अवकल समीकरण के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक आंसर क्लियर है, कौन सा क्लियर है उसको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1, इसकी कंपेयरिंग करेंगे dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो p की वैल्यू जो होगी यहां पर वो होगी p1 और q की वैल्यू होगी q1। अब आपको निकालना है, व्यापक हल लाना है इस समीकरण का, तो व्यापक हल का फॉर्मूला होता है y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, क्योंकि यहां पे फलन dx by dy इसलिए यहां पे x लिखेंगे, x आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो देखिए यहां पर होगा x आई एफ इंटीग्रेशन फंक्शन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन फंक्शन होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है p1 इंटू dy, ठीक है, क्लियर है। तो आई एफ की वैल्यू लगा देंगे e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है q1 इंटू आई एफ की वैल्यू है e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy और आगे दिया है dy प्लस c। ये अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, ये अवकल समीकरण व्यापक हल, इसमें काउंट कर लेते हैं तो इसमें c वाला जो आपका आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है। कर लेते हैं इस लेसन के अंतिम क्वेश्चन की, अवकल समीकरण इसका व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए चलते चलते इस लेसन को अंत करते हुए ध्यान दे लेते हैं इस क्वेश्चन पर, और यही इसी क्वेश्चन से हमारी अलविदा है, आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में जो कि वेक्टर अलजेब्रा से है, वहां पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से सदिशों के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों को हल किया जाता है।
तो आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो हम आपको देते रहेंगे इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को बिल्कुल ही आसान तरीके से हल करके। ठीक है, तो अब इस लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं और प्यार से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन को नोट करेंगे, ई की एक्स डी वाई प्लस वाई ई की एक्स प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहां पर डी एक्स से भाग कर देंगे हम, डी एक्स और डी एक्स ये कैंसिल होगा, इधर बचेगा ई की एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई की एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ई की एक्स से भाग कर देते हैं ऐसे पूरे फलन में, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर होगा वाई और इधर बचेगा टू एक्स। ई की एक्स को ऊपर ले जाएंगे ऋणात्मक घात हो जाएगी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या करते हैं, इस फलन को उधर ले चलते हैं, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब इसकी तुलना कर देंगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहां पर तुलना करेंगे तो p की वैल्यू जो है वो होगी 1 और q की वैल्यू होगी माइनस टू एक्स ई की एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फंक्शन निकालेंगे, होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये होगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 dx, ये बनेगा e की पावर 1 का समाकलन होगा x, तो इंटीग्रेशन फंक्शन इसका आएगा e की पावर x। अब फॉर्मूला लगा देंगे व्यापक हल का, इसका होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो वाई आई एफ की वैल्यू है e की x, इधर q की वैल्यू है माइनस टू एक्स e की माइनस एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू e की x डी एक्स प्लस सी। यहां पर e की x कैंसिल होगा, इधर बचेगा y e की पावर x इक्वल टू माइनस दो बाहर होगा, यहां पर बचेगा x डी एक्स प्लस सी। इधर लिखेंगे y e की x इक्वल टू माइनस टू, इसका समाकलन होगा x स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा वाई ई की एक्स, एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे प्लस का होगा इक्वल टू सी। ये इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर होगा, इसको क्लियर करा लेते हैं। यहाँ पर वाई ई की एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल ही क्लियर है। दोस्तों कैसे ली क्लास आज की, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि मेरे सभी क्वेश्चन समझ में आए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं एक आसान तरीके से सवालों को बताने के लिए। थैंक यू।